जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से, जहां उपखंड मुख्यालय पर सेन समाज नावा में सेन नवयुग मंडल के तत्वाधान में सेन मंदिर में सेन जयंती बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाई गई। नारायणी सेना प्रदेश सचिव दिलीप सांखला व सेन समाज नवयुग मंडल अध्यक्ष नितेश पवार ने बताया कि सेन जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पशु चिकित्सा अधिकारी कुकनवाली डॉक्टर मनोज कुमार सेन रहे और मुख्य आकर्षण का केंद्र ख्यातनाम कॉमेडियन हास्य कलाकार अनिल नुआरे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों और 10th व 12th के समाज स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान ख्यातनाम कॉमेडियन अनिल नुआ द्वारा एक से बढ़कर एक हास्य प्रोग्राम की प्रस्तुति दी गई, जिस पर उपस्थित जनों ने जमकर तालियां बरसाई व हंस हंस कर लोटपोट ठोकते दिखाई दिए। अनिल नुआ ने समाज को एकजुट होकर समाज के उत्थान हेतु कार्य करने के साथ रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाने का संदेश दिया। इस अवसर पर सेन समाज नावा द्वारा समाज के सभी वरिष्ठ जनों का भी समाज के विकास में सहयोग करने पर माला व सांपा पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। सेन समाज नावा और सेन नवयुग मंडल नावा द्वारा ख्यातनाम कॉमेडियन हास्य कलाकार अनिल नुआ का सेन गौरव और सेन रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान सेन नवयुग मंडल द्वारा सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये की माला अनिल सेन नुआ को पहनाई गई, जिसे अनिल नुआ ने नवयुग मंडल का और समाज का आभार व्यक्त करते हुए समाज के उत्थान और मंदिर निर्माण हेतु सेन समाज नावा को पुनः भेंट कर दी, जिस पर पंडाल में मौजूद हर एक शख्स ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अनिल नुआ का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नावा सहित आसपास के क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व जयंती के एक दिन पहले रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक कलाकार राम साई सेन एंड पार्टी जयपुर द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर जमकर झूमे। सेन जयंती पर प्रातः सेन समाज द्वारा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें महिलाओं पुरुषों व बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह के समापन पर सेन समाज अध्यक्ष गोपाल गहनोत ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का मन संचालन अध्यापक विजय सेन व प्रतीक गहलोत ने किया। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।